दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी होगी। किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी सरकार का आभार भी जताया है। मध्य प्रदेश सरकार ने एमएसपी 4,892 रुपए करने की अपील की थी और कल मोहन सरकार ने ये प्रस्ताव भी भेजा था केंद्र के पास, जहां पर केंद्र ने इस पर मुहर लगा दी है। विकास के मामले में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है और तमाम जो किसान है वो कहीं ना कहीं इससे खुश होते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि सोयाबीन की फसल पर अब एमएसपी की खरीदी होने वाली है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर के विकास के मामले में आगे बढ़ रही है। सोयाबीन की फसल के लिए जो सरकार का समर्थन मूल्य है उस पर किसानों को लाभ मिलेगा 4,892 रुपये में, तो ये उनकी स्वीकृति मिली। कृषि मंत्री जी ने भी इस पर सहमति दी और मिलाकर के किसानों की बेहतरी के लिए जो बेहतर हो सकता है वो लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये फैसला है, किसानों के लिए अच्छी खबर इसे कही जा सकती है, जहां पर जो सोयाबीन की फसल है उस पर एमएसपी के आधार पर खरीदी की जाएगी। 4,892 रुपए करने की अपील मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से की गई थी। आपको ये बता दें कि कल मोहन कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया था, जिस पर मुहर लगी। उसके बाद में ये प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया और केंद्र सरकार को भेजने के बाद में जो केंद्र सरकार है उसने भी इस पर मुहर लगा दी है। चलिए, अब इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए। मनोज जी, जो ये प्रस्ताव रखा गया था उस पर सरकार ने मुहर भी लगा दी, इससे क्या समझा जाए कि किसानों को कितना फायदा और क्या इस फैसले से किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलेगी? देखिए, मध्य प्रदेश तो सोयाबीन को लेकर सबसे अव्वल रहा, गेहूं की पैदावारी में सबसे अव्वल है और इसीलिए मध्य प्रदेश का नाम देश और दुनिया भर में बल्कि कृषि के क्षेत्र में जाना जाता है। लेकिन सरकार के प्रयास रहे, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात करें या वर्तमान डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, जो लगातार किसानों के हित में कई तरह के निर्णय ले रहे हैं और किसानों के अलावा भी कई तरह के निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आज दिल्ली पहुँचे वो और प्रस्ताव लेकर पहुँचे थे। सरकार का जो प्रस्ताव था केंद्र सरकार के लिए, खासकर जिसमें समर्थन मूल्य बढ़ाया जाना था, तो 4,892 रुपये जो समर्थन मूल्य है उसको रजामंदी, उस पर मोहर लगा दी केंद्र सरकार ने और आभार जताया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। इस बीच में खबरें ये भी आ रही है कि उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई है और तमाम तरह के मुद्दों पर उनकी चर्चा हुई है। लेकिन किसानों के हित में, किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जो प्रयास थे वो सफल होते नजर आए हैं और लगातार इस बात की मांग भी की जा रही थी कि समर्थन मूल्य महाराष्ट्र और बाकी जो राज्य उनकी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने देरी नहीं की और उस पर तत्काल कैबिनेट की बैठक बुलाई, कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, केंद्र को दे दिया और केंद्र ने इस पर मोहर भी लगा दी। तो किसानों के लिए अच्छी बात है, पहले जो मूल्य था वो करीब 250 रुपये कम था, अब इसमें बढ़कर 4,892 रुपये हो गया। जी बिल्कुल, तो इसे कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने